अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चलते राय के साथ आपका होस्ट मोहम्मद फारूक आज़म अपने चैनल पे आप सबको वेलकम करते हैं। तो नाज़रीन, आज मेरे पीछे अभी आप देख ही रहे होंगे काफ़ी मैसअप हुआ हुआ सीन, क्योंकि रात को हम काफ़ी लेट पहुंचे थे अपनी डेस्टिनेशन क्वेटा पे। तो आगे का जो हमारा प्लान है वो इन शॉर्ट्स में दिखाते हैं किधर जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हन्ना लेक हम पहुंच गए हैं और इंशाल्लाह यहां से जो इसका व्यू पॉइंट है करीब ही है। तो बड़ा ज़बरदस्त रास्ता था, जैसे कि आपने रास्ता एंजॉय किया कि हम कैंट से होते हुए, क्वेटा सिटी से होते हुए कैंट आए, कैंट से होते हुए हन्ना लेक की तरफ आए। तो बड़ा ज़बरदस्त जी, सराउंडेड बाय माउंटेंस, जैसे कि आपको बताया था कि सारी जगह जो है ना हन्ना लेक बिल्कुल चारों तरफ इसके जो है ना पहाड़ हैं और बड़ा खूबसूरत और पुरफिज़ा और ख़ामोश मकाम है। तो आएँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलते हैं व्यू करते हैं व्यू पॉइंट। ले आए हैं आपको हन्ना लेक पे, क्या खूबसूरत जी नाज़रीन, चारों तरफ से जो है ये खूबसूरत लेक जो है माउंटेन से जो है ना गिरी हुई है। इसको जो है ना उन्होंने जकड़ के रखा हुआ है कि भाई जान जाना नहीं किथे, इतने ही रहना है। तो नाज़रीन पहले जो था पानी काफ़ी ज़्यादा सूख गया था इसका, लेकिन अब जो है माशाल्लाह से रिसेंटली जो बारिशें हुई हैं और ख़तरनाक सैलाब जो बलूचिस्तान की हालात हुई थी, तो लेकिन जहाँ पे प्लस पॉइंट्स हैं वहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स भी काफ़ी ज़्यादा थे, उसके नेगेटिव पॉइंट्स बहुत ज़्यादा थे, अल्लाह ताला खैर करे। तो लेकिन ये देखें माशाल्लाह से नेचुरल रिजर्वायर है पानी का, क्या खूबसूरत जी नाज़रीन, भर गई है दूर दूर तक जो है ना हन्ना लेक पानी से जो है ना शड़पो शड़प भरी हुई है। ये देखें ये टाइटैनिक जो है ना इधर सिंक हो गया था जब लास्ट टाइम, तो अभी जो है ना उसकी थोड़ी थोड़ी सी ना साइडें निकलना शुरू हो गई हैं। तो ये नाज़रीन पानी इतना ज़्यादा हो गया है कि बिल्कुल किनारों के करीब करीब आ गया है। तो हमने कहा थोड़ी सी आधे किलोमीटर से ले लें इसमें, तो थोड़ा सा हमने कहा पानी डाल, पानी में हाथ डालेंगे, ठंडा पानी है नाज़रीन, ठंडा पानी, ठंडा पानी। वाह नाज़रीन, वाकई में अगर देखा जाए ना तो अच्छी खूबसूरत है, पानी भी ठंडा ठंडा है और ज़्यादा देर बैठना नहीं है इसमें पानी में, नहीं तो मेरा दिल कर जाएगा कि स्विमिंग करने का। तो और पुरफिज़ा जो है ना मकाम है यहाँ के, वाकई में क्वेटा के लोगों के लिए बड़ी खूबसूरत जगह है। इधर जब भी आप क्वेटा आएँ लाजमी विज़िट करें, क्योंकि खूबसूरत जगह है। और साथ मुझे कुछ बंद भी नज़र आ रहा है, इसके आगे बांधा हुआ है उस कोने में, शायद आपको भी नज़र आएगा कि पानी के रोकने के लिए ना उस साइड पर एक बंद बांधा हुआ है। क्या खूबसूरत वाइब है इस जगह की, मैं मतलब लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकता, बहुत मज़ेदी है, मज़ेदार जगह, मज़ेदी जगह है जी। तो ये पीछे बंद था, जैसे कि मैंने अपनी पिछली में आपको बताया, ये बंद है जिसने रोका हुआ इधर के पानी को, ताकि ये पानी जो है ना बाहर ना जा सके, अगर ज़्यादा हो तो फिर दे देंगे आगे थोड़ा बहुत। तो नाज़रीन बहुत खूबसूरत है पहाड़, क्या खूबसूरती है पहाड़ों की, मतलब देखें ज़रा कैमरामैन राबे सलीम इनको ज़रा घुमा के हल्का हल्का सा ज़रा व्यूज़ दें कि क्या खूबसूरत, एक पहाड़ की वाइब डिफरेंट है और उसकी कैसी सीनरी है, दूसरे की कैसी खूबसूरत सीनरी है, फिर उसके साथ जो पीछे आ रहा है वो बड़ा केटू का पहाड़, वो क्या खूबसूरत पहाड़ है। फिर ये देखें ये मिट्टी के पहाड़ कैसे पानी से रास्ते बने हुए खूबसूरत, माशाल्लाह सुभान तेरी कुदरत। तो सुभान अल्लाह साथ साथ लाजमी कहें, क्योंकि ये कुदरती है जगह, अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज़बरदस्त बहुत खूबसूरत जगह है। तो नाज़रीन इसको हम भी इंजॉय कर रहे हैं, आप भी वीडियो में इंजॉय करें, चलते राय को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें,
कमेंट्स में बताएं और कौन कौन सी नई जगहें आप देखना चाहते हैं, तो चलता रही वहाँ वहाँ जाएं। आए आगे दिखाते हैं आपको कैसी है। चल ऊपर आने वालों के लिए ये गेट, ये देखें जी, वो बंदा नीचे किया हुआ अभी है, उसकी शायद जूती गिर गई थी, क्या हुआ था वो नीचे चला गया, लेकिन सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत जगह नाजरीन, सुभान अल्लाह। अरे चलते रही भी तो इधर है, अभी जाना नहीं है कहीं। तो नाजरीन क्या खूबसूरत जगह, सुभान तेरी कुदरत, सुभान अल्लाह। तो नाजरीन चलते रही के साथ आपका होस्ट मोहम्मद फारूक आजम, अपने चैनल का और अपना खूब ख्याल रखें, अपनी मोहब्बतों का इसी तरह इजहार करें, चलते रही की फैमिली को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें थम्स अप देकर और सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके, क्योंकि ये है हमारी मोटिवेशन इंशाल्लाह। और अच्छी अच्छी जगहों पे इंशाल्लाह जैसे जैसे चलता रही जाएगा और आप लोगों को तो लाजमी लेकर जाएगा, क्योंकि चलता रही जहाँ होगा वहाँ पे चलते रही की फैमिली होगी। तो इंशाल्लाह इसी दुआ के साथ कि हंसते रहें, बसते रहें, मुस्कुराते रहें, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।